नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ रिया डनवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सकुशल संपन्न कराई गई थी परीक्षा, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई। आज यानी 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन है और आज दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। तो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, इस दौरान परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा का आगाज 23 अगस्त से हुआ था, आज 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन। इसके बाद परीक्षा का आयोजन 25, 30 और 31 अगस्त को कराया जाएगा। ऐसे में प्रत्येक दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की है और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की है। ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा का आगाज हो गया है, सुबह 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई थी, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराई गई थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, पहले दिन सकुशल कराई गई थी संपन्न परीक्षा, ऐसे में शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराई गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मुकेश का। मुकेश, जिस तरह से यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, इस दौरान आज परीक्षा का दूसरा दिन है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज तैयारी और इंतजाम। यही मैं बता दूं, मैनपुरी में कुल 13 परीक्षा केंद्र है, जहाँ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह और जिलाधिकारी अवनाश कुमार सिंह ने पहले ही दिन जो कल परीक्षा शुरू हुई थी उसके सभी परीक्षा केंद्रों की बारीकी से निरीक्षण किया गया है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मैं जिस केंद्र के बाहर मौजूद हूँ उसके बाहर आप देखते हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और जो वहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं, सबसे बड़ी परीक्षा में जो चीज देखी जाती है वो है बायोमेट्रिक सिस्टम। गेट पर तो हो रहा है मगर अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्र से कक्ष के अंदर जाने के बाद भी उसकी बायोमेट्रिक कराई जा रही है। अगर बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो ठीक किए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक के लिए रोडवेज बस फ्री की गई है, ट्रेन भी फ्री की गई है, मगर जो अभ्यर्थी है अगर वो किसी तरीके के अपने दस्तावेज या आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह की कोई कमी लेकर आते हैं तो उस पर उन्हें FIR भी उनके ऊपर विरुद्ध की जाएगी। तो वही सोशल मीडिया की बात, परीक्षा केंद्र के अंदर क्या कुछ परीक्षार्थियों को ले जाना अलाउड है और किस आधार पर जो है एंट्री मिल रही है, क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं? मैं रिया जी बता दूंगा, सबसे पहली बात है कि उसको आधार कार्ड लाना कंपलसरी है। आधार कार्ड से ही उसकी बायोमेट्रिक हो रही है प्रवेश द्वार पर, उसके बाद अंदर उसकी जो सर्चिंग होगी और मेटल डिटेक्टर से भी उसकी सर्चिंग की जा रही है। उसके बाद वो परीक्षा केंद्र के कक्ष के अंदर जाएगा, फिर भी उसकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद ही उसको कॉपी दी जाएगी। तो उसके बाद कोई और पेन ड्रॉट पेन ले जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ पेंसिल या जो शीट है उसको भरने की जो सामग्री है वही ले जाने की अनुमति है और ना ही बेल्ट होंगे ना जूते हैं, कोई भी चीज ले जाने की अनुमति स्टाफ और से मना कर दी गई है। बाहर भी नोटिफिकेशन की जो परीक्षा हुई थी उसमें काफी अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो क्या आज भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या कम हुई है? आज तो और ज्यादा परसेंटेज गिरा है क्योंकि कल जो था 30% था, आज 40% से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं। तब जो कल जो मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन आज देखने को मिला है, सभी परीक्षा केंद्रों पर जो परसेंटेज है 40% अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। क्या वजह की जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे हैं? सवाल ये भी क्योंकि इस पर सियासत भी अब गरमाई हुई है, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे। हाँ, अखिलेश यादव जी ने अभी ट्विटर पर लिखा है साफ तौर से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी जो जिस तरीके की सुविधाएं की अभ्यर्थी परेशान है और 1.5% परीक्षा नहीं दे रहे हैं। उसकी बात यह भी मैं बता दूं, सीधा तौर से साफ तौर से सुरक्षा के इंतजाम है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैराग्राफ तैयार किया है कि अभ्यर्थी 420 और पेपर लीक जैसी जो आरोप लग रहे थे सरकार पर उसको दरकिनारे करने के लिए ऐसी सिस्टम को लॉन्च किया गया है कि आगे कोई पेपर किसी तरीके का लीक नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जा सकता है क्योंकि अभ्यर्थी जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर इतनी सख्त व्यवस्था की गई है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की वजह से ये परीक्षा में अभ्यर्थी कम हो रहे हैं।
इसके क्या सियासी मायने हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं, बिल्कुल अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यातायात की व्यवस्था का ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने रोडवेज बस जो हमें सुविधा है वो दी है, क्योंकि 8 दिन तक किसी परीक्षा में रोडवेज बस सुविधा नहीं दी है, ट्रेन की सुविधा थी वो भी दी है। क्योंकि अभ्यर्थी को अगर किसी परीक्षा केंद्र पर जाना है तो जो पुलिसकर्मी तैनात है, जिस परीक्षा केंद्र आ भी गया है उसको वहाँ पहुँचाने की भी सुविधा रखी गई है। तो वही प्रशासन ने किसी भी तरह की अभ्यर्थी को परेशानी न हो अगर समय से आ रहा है और परीक्षा केंद्र पर पहुँचाने की। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवीण कुमार गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ माहौल है गाजियाबाद का? आज परीक्षा का दूसरा दिन है, किस तरह की प्रशासन व्यवस्था है वहाँ पे? बता दें, दरअसल गाजियाबाद में जो 20 सेंटर परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाए गए हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी और पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली थी, जिसको देखते हुए हर परीक्षा केंद्र पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग डायल 112 के कंट्रोल रूम से की जा रही है, ताकि कोई परीक्षा में गड़बड़ी न की जा सके। इसको देखते लगातार जो है पुलिस सेंटरों के आसपास भी जो है मुस्तैदी से तैनात है, और जो सेंटरों पे जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके सुरक्षा और उनके सेंटर पे पहुंचने तक का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और स्टेशनों पर बस अड्डों पर पुलिस तैनाती की गई है, ताकि किसी परीक्षार्थी को जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर कोई परेशानी ना हो। लगातार यहां पर जो है परीक्षार्थी जो है अपनी परीक्षा देने के लिए 10 बजे की पहली पाली में पहुंच चुके हैं। हालांकि कल पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इस परीक्षा के दौरान 30% ऐसे परीक्षार्थी है जो इस बार जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हुए, और आज जो दूसरा दिन परीक्षा का है उसमें भी संभावना जताई जा रही है कि 30 से 40% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। दरअसल आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण जो है जो पिछली फरवरी में जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो है कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षा से विश्वास उठ गया है और कुछ नहीं। लेकिन प्रवीण, अब की बार तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा अभ्यर्थियों की नहीं बल्कि यूपी सरकार की भी है। तो ऐसे में आखिर जिस तरह से अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे हैं, आखिर क्या वजह? क्योंकि जो अभ्यर्थियों की जो शिकायत थी कि पेपर लीक हो जा रहा है, धांधली हो रही है, अब की बार हर कोशिश की गई है कि परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। दरअसल बताए, जिस तरीके से पूरी तरीके से इस परीक्षा को लेकर राजनीति भी हुई थी, परीक्षा देने के लिए जो बच्चे बहुत ही दूर दूर से जिलों से और अन्य राज्यों से आए थे, एक वो वजह भी हो सकती है, क्योंकि जो 60,000 भर्ती की जो परीक्षा हो रही है इस पे कम से कम 60 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, और केवल उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी नहीं बल्कि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा में फॉर्म भरा था। हो सकता है कि जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और अन्य राज्यों से जो परीक्षार्थी थे जिनकी परीक्षा होनी थी, वो इस बात से नाराज हों कि पहले पेपर लीक हो चुका है, दोबारा भी उनकी इस परीक्षा को लेकर हिम्मत ना, और वो इतने दूर आकर परीक्षा ना दे पाने की कोशिश ना जुटा पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो का परीक्षा जो है पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा परीक्षा के लिए इतना परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है और परीक्षा देने भी आ रहे हैं, ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है। बिल्कुल, 60,000 पदों के लिए परीक्षा हो रही है जिसमें 50 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रवीण, आप बने रहिएगा, गोरखपुर में क्या कुछ स्थिति है जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, क्योंकि 23 अगस्त से परीक्षा का आगाज हो गया है, आज परीक्षा का दूसरा दिन है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज व्यवस्थाएं, किस तरह से आज इंतजाम, और जिस तरह से बीते दिन गोरखपुर से कुछ खबरें आई थी कि महिला आरक्षी या जो महिला कांस्टेबल है उसके पास से 5 एडमिट कार्ड निकले थे, तो जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या आज भी ऐसी कुछ खबरें? जी, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो गोरखपुर में जो है सुरक्षा व्यवस्था 4-4 है। सेंटर गोरखपुर में 55 बनाए गए हैं और सेंटर से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं एडीजी जोन और गोरखपुर के जो है एसएसपी महोदय भी सेंटरों पे जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अब बात करें, बीते दिनों एसटीएफ ने जो महिला कांस्टेबल को उठाया था, उसका जो सहयोगी साथी था वो इनोवा कार से आया था, लखनऊ से उसने इनोवा कार बुक की थी अपने दोस्त शिवम पांडे के से। जो आरोपी है उसका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी का बड़ा सचिव बताता है, जिसको देख करके पिंकी जो है
फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी और उसके झांसे में आ गई। वहीं अगर बात करें तो 20 लाख रुपए में यह मामला डील हुआ था। यूपी एसटीएफ ने जो है पिंकी की मोबाइल और देवेंद्र प्रताप सिंह के मोबाइल को हिरासत में लिया था, जिसके व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बात निकल करके आई थी कि 20 लाख रुपए में डील हुई थी। वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह ने उसको ये बताया था कि तुम्हारा जो कमीशन है तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कमीशन का लालच दे करके और अपने आप को बड़ा नेता बता करके कांस्टेबल पिंकी को उसने अपने घेरे में ले लिया था। हमारे साथ प्रवीण है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जी, परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा दी जा रही है और जो अभ्यर्थी का आज जो यहाँ गाजियाबाद के 20 केंद्रों पे सेंटर है वो आपको बता दें गाजियाबाद जिले से कम 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जिलों से, जैसे अमरोहा से और सहारनपुर से, मेरठ से और अन्य जिलों से यहाँ पर जो गाजियाबाद में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए रेसों की तो इस बार जो है कि महिला जो परीक्षा देने आई थी उनकी संख्या इस बार कम दिखाई दे रही है और जो पुरुषों की संख्या उसमें भी महिलाओं के मामलों में अनुपात में कम दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार आज दूसरा दिन है और परीक्षार्थी जो है बसों से और ट्रेनों से आने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि परीक्षार्थी समय से अपने केंद्रों पर पहुंच पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे बस अड्डों पे भीड़ देखी जा रही है, बच्चों को जो है परीक्षा केंद्रों में भी कहीं ना कहीं देरी भी हो रही है, क्योंकि जिस समय ये परीक्षा 10 बजे सुबह होती है तो बच्चे जो है बाय रोड भी आ रहे हैं और ट्रेन से भी आ रहे हैं और ट्रेनों में की तरफ से बच्चों की सहूलियत को देखते हुए तैयारियां की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी संख्या को देखते हुए तैयारियां नाकाफी यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। प्रवीण, आएंगे आपके पास, एक बार मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, जिस तरह से अभी हम बात ही कर रहे थे, जिस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं, अब वहां पर दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर परीक्षा केंद्र में एक बार या तो सेक्टर मैजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर जो है वहां पर निरीक्षण करने या जायजा करने पहुंचते हैं। आपके वाले जो परीक्षा केंद्र है वहां पर किस तरह से स्थिति, ड्रोन कैमरों से भी क्या नजर रखी जा रही है उस तरफ? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ लगातार जो क्योंकि ये बीआईटी सेंटर है दोनों ही मुख्यालय के मोहित शहर के अंदर जिला स्तर के पास है, आरसी डिग्री कॉलेज और आरसी इंटर कॉलेज, मैं जिस सेंटर को खड़ा हूँ आरसी डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह यहाँ भी 10 से 5 मिनट पहले ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो है वो इनके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है, सुरक्षा पर बिल्कुल वॉच किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं सेंटर के अंदर उसकी मॉनिटरिंग पुलिस लाइन में हो रही है और उसके बाद नकलों की मॉनिटरेशन की जा रही है। सेंटरों पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार जो बारीकी है सुरक्षा की नई एक्टिविटी चलाई है सरकार, उससे साफ तौर से लग रहा है कि परिसर कई सारी जगहों से, कई सारे परीक्षा केंद्रों से ऐसी खबर भी सामने आई थी जहां परीक्षार्थी अभ्यर्थी की जगह कोई मुन्ना भाई परीक्षा देने पहुंच गया था, ऐसी 3 खबरें सामने आई थी, 3 लोगों को पकड़ा भी गया है। क्या ऐसी कोई खबर मैनपुरी से सामने आई अब तक? नहीं, अभी ऐसी फिलहाल कोई खबर नहीं। फिलहाल मैनपुरी में भी 2 लोग पकड़े गए थे पिछली परीक्षा में और जो परीक्षा उन्होंने भी कई मैनपुरी से जनपद में मिले, जिसमें तो एक तो बिस्मा थाना क्षेत्र में 2 युवक पकड़े गए थे, तो वहीं अलाउ से भी 1 युवक पकड़ा गया था जो दूसरे के स्थान पर पेपर देने के लिए पहुंच गया था। उसने कहा था की एक पेपर के लिए उसने 2 लाख रुपए की लगभग धनराशि ली थी। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं की बायो मैट्रिक जो सिस्टम है वो एक बार नहीं 2-2 बार हर एक बार अभ्यर्थी करना है और उसकी जो जाँच है आंखों की रोशनी, आंखों के फिंगर, उन चीजों से मैचिंग अगर हो रही है तो ही वो परीक्षा कक्ष के अंदर जाएगा, नहीं तो उसको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। मुकेश, बहुत जगह से ये भी खबर सामने आ रही है कि महिला परीक्षार्थी जो हैं वो काफी कम संख्या में पहुंच रही हैं, तो क्या वहां पे भी ऐसी स्थिति है जहां महिला परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंच पा रही या उनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं? नहीं, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल 12 जो मार्केटिंग गिर रहा है, मार्केटिंग गिर रहा है जो
मनोबल है जो बच्चों का वो गिर चुका है, उसका जो अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे हैं सेंटरों पर, ये उसके साफ तौर से देखे जितनी जितनी भी इससे पहले परीक्षा हुई उनमें लगातार पेपर लीक हुए और मनोबल डाउन हो गया। उसने तो शायद आत्महत्या भी कर ली, क्योंकि परीक्षा के सिस्टम में बड़ी मुश्किल से अभ्यर्थी तैयार करता है, अपनी तैयारी कर पाता है, और कड़ी मेहनत के बाद अगर पेपर लीक हो जाए कि जिसने पढ़ाई की हो वो बहुत मायूस हो जाता है। इस चीज से लेकर परीक्षा का जो पैराग्राफ बनाया गया सुरक्षा की दृष्टि से, वो संपूर्ण जो अभ्यर्थी दे रहे हैं उनको दोस्तों को परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, बने रहिएगा, हम रुख करते हैं अवनीश की। अवनीश जी, वहाँ पे क्या माहौल है? जिस तरह से आपने बताया कि कल एक कांस्टेबल को पकड़ा गया था, तो क्या आज भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? नहीं, आज ऐसी बात नहीं आ रही है। घंटे के जांच के बाद यूपीएससीएफ ने ये बताया कि महिला कांस्टेबल जी थी, उसका पैर टूटा हुआ था, बीते दिनों से वो छुट्टी पे थी और घर थी। घर के बरामदे के अंदर एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे लखनऊ दिल्ली से आए युवक के साथ वो डील कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन में एक के 40,000 की बात आ रही थी तो दूसरे के 50। देवेंद्र के मोबाइल में 50-50 रुपए एडवांस की बात चल रही थी, तो वही महिला आरक्षी ने 40,000 रुपए जो अभ्यर्थियों से एडवांस ले लिया था। वहीं यूपीएससीएफ और बांसगांव पुलिस को देख करके कुछ लड़के जो है बाउंड्री वाल कूद करके भाग गए। वहीं महिला कांस्टेबल के पैर में चोट लगने के कारण वो भाग न सकी। वहीं जो देवेंद्र प्रताप सिंह था वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता बता रहा था, मौके से उसको भी वहां पकड़ यूपीएससीएफ ने पकड़ा, वहीं उसका ड्राइवर भी पकड़ा। गाड़ी पता चली कि उसका एक दोस्त था शिवम सिंह, लखनऊ का रहने वाला है, UP-32 की गाड़ी है जिसको उसने किराए पे लिया था। उत्तर प्रदेश शासन गाड़ी पे लिख करके हूटर लगा करके वो गाड़ी आया था ताकि किसी तरीके से जो अभ्यर्थियों को और महिला आरक्षी को वो ठग सके, इस तरह की बात आ रही है। वहीं महिला इस तरह से यहाँ पर पुलिस का काम ही है कि परीक्षा जो है अच्छे से सकुशल तरीके से संपन्न कराई जा सके, ऐसे में पुलिस की ही संलिप्तता अगर ऐसे मामलों में दिखेगी, जैसा आपने भी बताया कि महिला कांस्टेबल इस मामले में शामिल थी, किस तरह से आगे क्या कुछ कार्रवाई महिला कांस्टेबल के खिलाफ? जी, यूपीएससीएफ ने महिला कांस्टेबल और उस दिल्ली से आए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। अगर कहीं ना कहीं से माना जाए कि पुलिस की ही परीक्षा हो और पुलिस संलिप्त हो तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि इस तरह की बात महिला आरक्षी के सामने आ रही है तो यह सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो युवा है वो कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद परीक्षा जब हो और उसमें ऐसी धांधली की खबरें सामने आए तो जाहिर सी बात है कि भरोसा भी टूटेगा, और यही वजह है कि देखने को भी मिल रहा है कि अब की बार जो युवा है या जो अभ्यर्थी है वो कम संख्या में परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। अवनीश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं प्रवीण का। प्रवीण, अगर बात करें गाजियाबाद की, जिस तरह से परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, हालांकि अब परीक्षा जो है जो 10 बजे से जो शुरू होने वाली थी उसकी पाली की वो शुरुआत हो चुकी है, अब दूसरी पाली 3 बजे से शुरू होगी। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? देखिए, परीक्षा केंद्रों के जो आसपास है वो परीक्षार्थियों के हिसाब से जो है एक एक इंस्ट्रक्टर की और अन्य सब इंस्पेक्टरों के साथ साथ सिपाहियों की तैनाती की गई है। इसके तरफ इसकी दूसरी तरफ देखें तो प्रशासन की तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है ताकि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना की जा सके। और लगातार यहाँ पर जो स्कूल के आसपास की जो दुकान है, जैसे फोटो स्टेट की दुकान, स्टेशनरी की शॉप, ये सब दुकानों को जो है 5 दिन तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए हैं ताकि कोई भी परीक्षार्थी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऐसी चीज लेके अंदर दाखिल ना हो जाए जिससे कि परीक्षा में कोई नकल कर सके। और क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह है कि इस बार परीक्षा को नकल विहीन कराया जाए ताकि जो सरकार पे लगातार आरोप लगते गए कि सरकार पेपर लीक करा रही है और पेपर कराने में सक्षम नहीं है। इसको प्रवीण हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजू कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से। राजू, रायबरेली की क्या स्थिति है, किस तरह की प्रशासन व्यवस्था है वहाँ पे? जी देखिए, मैं बता दूं कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश लगातार कसमकस कर रही थी और इसकी तैयारी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में देखा जा सकता है कि परीक्षा संपन्न कराने को लेकर पुलिस की भरपूर उचित मात्रा में व्यवस्था की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस है उनको ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल लेकर अंदर जाना वर्जित किया गया है।
तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी उसी मंशा पर लगातार रायबरेली जिला प्रशासन भी कटिबद्ध है और पुलिस की लिखित परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा राजू तैयारियां काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। हालांकि 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत थी तो 9:30 बजे से ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में एंट्री के वक्त कई दस्तावेजों के सत्यापन भी हो रहे हैं, साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन भी हो रहे हैं। क्या किसी अभ्यर्थी को एंट्री करने में दिक्कत? जी देखिए, जैसा कि गेट पर ही ऐसे जो है जो चीज प्रतिबंधित थे उनको ले जाने के लिए प्रतिबंध किया गया, उनकी सूची यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा प्रतिनिधि बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित वस्तुएं उनको साफ तौर पे पहले से ही लगा रखी है परीक्षा केंद्र के बाहर। बिल्कुल, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से जवानों की वहां पर तैनाती। रायबरेली के GGIC सेंटर पे हम खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस बल की व्यवस्था की गई और साफ तौर से देख सकते हैं जो गेट है वो गेट बंद कर दिया गया है ताकि आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति किसी तरह से अंदर बाहर ना हो सके। और जो अधिकारियों की तैनाती की गई, बाकायदा पुलिस वालों के पास में जो गेट पे पुलिस बल लगा हुआ है उनके पास उनकी सूची भी दी गई है कि कौन अंदर बाहर आ सकता है। ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो पूरी तरह से यहाँ पे जिलाधिकारी के द्वारा लगातार कदम उठाए गए थे उस पे पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और अधिकारी भी जो अंदर बाहर आने जाने वाले उनकी सूची गेट पर ही मौजूद है। तो ऐसे में साफ तौर पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा सके उसको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम। प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश मणि त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में यूपी ब्यूरोक्रेसी में सीनियर आईएएस ऑफिसरों की कमी देखने को मिली है। आपको बता दें ACS स्तर के 16 पद सिर्फ 11 आईएएस ऑफिसर हैं, वहीं PS स्तर के 36 पद पर सिर्फ 29 आईएएस ऑफिसर हैं, वहीं सेक्रेटरी स्तर के 96 पदों पर सिर्फ 58 आईएएस ऑफिसर हैं, वहीं यूपी में 652 आईएएस में से 560 आईएएस ऑफिसर मौजूद हैं। बता दें कि स्वीकृत पदों की संख्या के मुकाबले 92 आईएएस ऑफिसरों की कमी है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पे सीनियर आईएएस ऑफिसरों की कमी देखने को मिल रही है, जहां पे ACS के स्तर पर 16 पद हैं लेकिन सिर्फ आईएएस ऑफिसर जो है वो सिर्फ 11 हैं, वहीं अगर PS स्तर की बात कर ले तो वहां 36 पद हैं लेकिन सिर्फ 29 आईएएस ऑफिसर ही वहां मौजूद हैं। इसके अलावा 58 आईएएस ऑफिसर हैं, उसमें से 692 आईएएस ऑफिसरों में से सिर्फ 560 आईएएस ऑफिसर मौजूद हैं। इनको बता दें कि स्वीकृत पदों की संख्या के मुकाबले 92 आईएएस ऑफिसरों की कमी देखने को मिली है। वही मेरठ से खबर, जहां RLD नेता नरेंद्र खजूरी SC ST आयोग के सदस्य बने हैं। यूपी SC ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं खजूरी। इस दौरान जयंत चौधरी के बेहद करीबियों में नरेंद्र खजूरी का नाम शुमार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां RLD नेता नरेंद्र खजूरी SC ST आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। यूपी SC ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं खजूरी। जयंत चौधरी के काफी करीबी भी माने जाते हैं नरेंद्र खजूरी, यानी नरेंद्र खजूरी को यूपी SC ST आयोग का सदस्य बनाया गया है। यूपी SC ST आयोग के सदस्य खजूरी बनाए गए हैं, जयंत चौधरी के भी बेहद करीबी खजूरी माने जाते हैं। RLD नेता नरेंद्र खजूरी को SC ST आयोग का सदस्य बनाया गया है। यूपी SC ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं नरेंद्र खजूरी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व प्रदेश पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित कई पर मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कांग्रेस द्वारा राजभवन के पास किया गया प्रदर्शन को लेकर किया गया था। यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कांग्रेस नेताओं पर पुलिस को गुमराह करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं गौतमपल्ली थाना के बाद अब हजरतगंज में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर
लोगों को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वही हज 2025 को लेकर सऊदी सरकार का फैसला सामने आया है। एक कमरे में नहीं रह सकेंगे पति और पत्नी, ये नया फैसला आया है। महिला पुरुष के एक कमरे में ठहरने पर पाबंदी रहेगी। महिलाओं के कमरे में पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अनुमति इस दौरान नहीं मिलेगी। और भारत से हर साल तकरीबन 2.25 लाख लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा हज यात्री यूपी से जाते हैं। ऐसे में सऊदी सरकार की तरफ से अब नया नियम बनाया गया है। लखनऊ सपा के सांसद आरके चौधरी पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें, वजीरगंज थाने में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा भारत बंदी के दिन जुलूस निकालने के आरोप में किया गया है। आपको बता दें, जुलूस निकालने का आरोप बिना परमिशन के परिवर्तन चौक पर यह जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद से उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि वजीरगंज थाने में अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।